कोतवाली जांजगीर पुलिस ने एक ऐसे साथी चोर को पकड़ा है जो निजी गार्ड का भी काम करता है और खुद रात को घूम घूम कर पान ठेले व दुकानों में चोरी की घटना को अंजाम देता था। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। सिटी कोतवाली जांजगीर पुलिस ने एक ऐसे साथी चोर को पकड़ा है जो निजी गार्ड का काम करता है और खुद रात को घूम घूम कर पान ठेला व दुकानों में चोरी करता था। आरोपी को पुलिस ने न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। जांजगीर एसडीओपी ने बताया कि बीते रात को माधवलाज के पास दो दुकानों से पान गुट का पाउच सिगरेट बीड़ी की चोरी हुई थी। पान ठेला संचालक दशरथ कहरा व खोलभारा यादव ने मामले की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई थी। दशरथ की दुकान में तकरीबन 2,250 रुपए की पान गुटखा की चोरी हुई थी तो वहीं फुलवारा की दुकान पर 1,000 रुपए की चोरी हुई थी। रिपोर्ट के बाद पुलिस को चोरों की तलाश थी। शनिवार की सुबह पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि संतोष कुर्मी संदिग्ध अवस्था में घूम रहा है। वह अक्सर रात को शहर में गार्ड का काम करने का हवाला देते हुए चोरी की वारदात को अंजाम देता था। पुलिस ने उसने अपनी गिरफ्त में लेकर पूछताछ किया तो चोरी स्वीकार कर लिया है और उसके कब्जे से पुलिस ने चोरी का सामान भी जब्त किया है। आरोपी के खिलाफ धारा 401 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये मामला है। प्रार्थी खुलबहरा यादव और दशरथ कहरा जो भी दोनों ठेला चलाने का काम करते हैं जिसमें गुटखा पान इस तरह की चीजें ये लोग बेचते हैं, इनके द्वारा थाने में आकर ये रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि बीती रात को किसी अज्ञात चोर के द्वारा ताला तोड़कर इनके ठेले में रखे हुए गुटखा पाउच सहित अन्य सामान जिसकी कीमत लगभग 2,250 रुपए की है जो कि किसी अज्ञात चोर के द्वारा चोरी कर लिया गया। उनकी रिपोर्ट पर से ICC की धारा 461 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था और इसमें पुलिस के द्वारा 24 घंटे के भीतर ही चौकीदार का काम करने वाला संतोष कुमार कुर्मी जो कि मुखबिर सूचना पर से ही इसके संदिग्ध होने का पता चला। इस पर आरोपी संतोष कुमार कुर्मी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की गई जिसके पास से समस्त चोरी किया गया सामान भी बरामद किया गया और उसने इस घटना को खारिज करना स्वीकार किया जिस पर संतोष कुमार कुर्मी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा चुका है। जांजगीर से हेमंत जायसवाल की रिपोर्ट SEN 24।